हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलराम फोटोग्राफी। दोस्तों, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आप फोटो या फिर वीडियो कैप्चर करते हो, चाहे यूट्यूब वीडियो हो, इंस्टाग्राम रील्स हो, या फिर प्रोडक्ट कमर्शियल हो, या फिर आप किसी भी तरीके की फोटोग्राफी करते हो, तो आपको अपने स्टूडियो में एक अच्छा लाइट का जरूरत जरूर होता होगा। ऐसे में अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है, तो आपके पास दो सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है। एक है एलईडी पावर्ड सॉफ्टबॉक्स लाइट और दूसरा है रिंग लाइट। नाउ, इन दोनों ही लाइट को मैं पिछले काफी टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने वीडियोस को शूट करने के लिए, फोटोग्राफी के लिए, बीरोल्स के लिए और भी काफी सारे पर्पस में मैंने इनको इस्तेमाल करे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों लाइट को कंपेयर करके दिखाने वाला हूं कि इन दोनों में से कौन सा लाइट आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, और आप अपनी फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी स्टूडियो के लिए अगर आप एक लाइट लेना चाहते हो, तो इन दोनों में से कौन सा लाइट आपको लेना चाहिए, इस वीडियो के अंत तक आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की फोटोग्राफी रिलेटेड वीडियोस हम रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले बात करें दोनों लाइट की प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप इस सॉफ्टबॉक्स लाइट को तैयार करने जाएंगे, तो आपका लगभग 4000 रुपया खर्चा होगा। पर वही अगर आप इस रिंग लाइट को लेने जाएंगे, तो रिंग लाइट का तो प्राइस है 3600 रुपीज, पर उसके साथ आपको एक लाइट स्टैंड चाहिए होगा, जिसका प्राइस लगभग 800 रुपया आता है। तो ऐसे करके टोटल 4400 रुपया आपका खर्चा हो जाएगा इस रिंग लाइट के सेटअप में। तो प्राइसिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर लाइट की क्वालिटी में या फिर लाइट को प्रैक्टिकली यूज करने में आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेंगे। नाउ, अगर आप इस सॉफ्टबॉक्स लाइटिंग सेटअप को परचेज करना चाहते हो, तो ये आपको प्रीमेड नहीं मिलेगा। आपको सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग परचेज करके असेंबल करके अपने लाइट को तैयार करने होंगे, जिसके लिए आपको एक लाइट स्टैंड, सॉफ्ट बॉक्स, लाइट होल्डर, एलईडी बल्ब, ये सारी चीजें परचेज करने होंगे और फिर इसको असेंबल करने होंगे। आपको क्या कुछ चीजें परचेज करनी है, किस तरीके से असेंबल करने हैं, उसके ऊपर मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है। वीडियो को देखकर आप इजीली इस लाइट को तैयार कर सकते हो। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। पर अगर आप डिजिटल रिंग लाइट परचेज करना चाहते हो, तो इसे आप इजीली अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करेंगे। साथ में आप एक लाइट स्टैंड ऑर्डर करेंगे, जिसके ऊपर आप इस लाइट को माउंट करके आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसे सेटअप करना बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी हम आते हैं कंपैरिजन के ऊपर। नाउ, अगर मैं इन दोनों लाइट को कंपेयर करूं, तो दोनों लाइट के बीच में जो सबसे पहला डिफरेंस आपको दिखता है, वो है प्राइसिंग का। जो सॉफ्टबॉक्स लाइट है, वो 400 रुपया सस्ता है रिंग लाइट के कंपैरिजन में, जिसे कि आप और ज्यादा सस्ता कर सकते हो। लाइक, अगर यहां पर आप एक सॉफ्टबॉक्स की जगह एक व्हाइट फोटोग्राफिक अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हो, तो आपका खर्चा और ज्यादा कम हो जाता है। पर वहां पर आपको क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जो कि आप मत करिए। आप एक सॉफ्टबॉक्स के साथ ही अपनी लाइट को सेटअप करिए। अगला डिफरेंस है साइज का। जो सॉफ्टबॉक्स है, वो काफी ज्यादा बड़े साइज का है, तो ये आपके रूम के अंदर बहुत ज्यादा जगह कैप्चर कर लेता है। ऐसे में अगर आप कोई छोटे रूम के अंदर रहते हो, छोटे रूम के अंदर अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करते हो, तो वहां पर आपके काफी ज्यादा जगह ये कैप्चर करने वाला है। इसको किसी भी तरफ मूव करने में या फिर अपने रूम में रखने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। वहीं जो रिंग लाइट है, वो साइज में काफी ज्यादा छोटा है, काफी ज्यादा पोर्टेबल है। आपके रूम के अंदर ये इजिली फिट हो जाएगा, अपने घर के कोने में आप इसे इजिली रख सकते हो, और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। फिर जो रिंग लाइट है, इसे आप किसी भी तरफ रोटेट कर सकते हो और इजिली टिल्ट कर सकते हो आप यहाँ पे लो एंगल में। पर जो सॉफ्टबॉक्स लाइट है, इसे आप रोटेट तो कर सकते हो किसी भी तरफ, पर टिल्ट करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको नीचे की तरफ जो जिपर है, उसको अनजिप करना पड़ेगा। फिर जो सामने का बटन पेपर है, उसको खोलकर अंदर से आपको लाइट को टिल्ट करना पड़ेगा। तो मतलब लाइट को इस्तेमाल करती हुई आप इसे टिल्ट नहीं कर पाओगे। लाइट को ऑफ करके आपको इसको सही तरीके से एडजस्ट कर लेना होगा, उसके बाद अगेन आप इसे इस्तेमाल कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। उसके साथ ही जो डिजिटेक का रिंग लाइट है, इसे खास करके बनाया गया है कॉन्टेंट क्रिएटर्स को टारगेट करके, और उनके लिए आपको इसमें काफी सारे फीचर्स मिलते हैं। लाइक, पीछे की तरफ यहाँ पर आपको एक ऑन ऑफ का बटन मिलता है। लाइट की इंटेंसिटी को अगर आप कम या फिर ज्यादा करना चाहते हो, या फिर लाइट के कलर टोन को चेंज करना चाहते हो, वार्म या फिर कूल टोन में आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कंट्रोलर दिया जाता है, जिससे कि आप इजीली चेंज कर सकते हो। उसके साथ ही लाइट में आपको जगह जगह पर मोबाइल या फिर कैमरा होल्डर मिलते हैं। अगर आपको कोई सिनेमेटिक लाइटिंग नहीं चाहिए, तो आप इस लाइट के ऊपर ही अपने फोन या फिर कैमरा को माउंट कर सकते हो। आपको अलग से कोई ट्राइपॉड या फिर स्टैंड खरीदने की जरूरत नहीं होगा। इसी के ऊपर अपने फोन को माउंट करके फ्लैट लाइटिंग में आप अपने फोटोज या फिर वीडियोस को शूट कर पाओगे, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है काफी टाइम। पर जो सॉफ्टबॉक्स लाइट है, इसमें आपको इसी तरीके का कोई भी फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। ना ही लाइट की इंटेंसिटी को आप कम ज्यादा कर सकते हो, ना ही कलर को चेंज कर सकते हो। लाइट की इंटेंसिटी को कम ज्यादा करने के लिए इसे आपको पास या फिर दूर लेकर के जाना है। अगर आप इसे पास रखेंगे, तो लाइट आपको ज्यादा मिलेगा, अगर दूर लेकर के जाएंगे तो लाइट कम मिलेगा। इस तरीके से यूज करना है। तो इसमें आपको क्रिएटर्स के लिए कोई भी फीचर्स नहीं मिलता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, अगर आप एक्शन फोटोग्राफी करना चाहते हो इस सॉफ्टबॉक्स लाइट को इस्तेमाल करते हुए, तो इस लाइट को इस्तेमाल करते हुए अगर आप फास्ट शटर स्पीड का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि 1/500 या फिर 1/1000, इस तरीके के फास्ट शटर स्पीड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पर आपका लाइट फ्लिकर करेगा। बोथ फोटो एंड वीडियो में आपका लाइट फ्लिकर करेगा, एंड ये सिर्फ प्रीव्यू में नहीं दिखता है, फोटो कैप्चर करने के बाद भी ये इशू आपको फोटो में देखने को मिलेगा। तो सॉफ्टबॉक्स के साथ आप फास्ट शटर स्पीड का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, पर डिजिटल का जो रिंग लाइट है, इसको इस्तेमाल करते हुए आप
फास्ट शटर स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लगभग 1/1000 शटर स्पीड चूज कर लिए है या फिर 1/1500 चूज कर लिए, बट जो लाइट है वो फ्लिकर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो ये एक खास चीज है, अगर आप हाई शटर स्पीड फोटोग्राफी करना चाहते हो फिर आपको डिजिटल रिंग लाइट ही चूज करना चाहिए। नाउ आई एम श्योर यहाँ तक वीडियो को देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि जो रिंग लाइट है ये तो कहीं ज्यादा बेहतर है सॉफ्टबॉक्स के कंपैरिजन में, पर सच बताऊं तो सॉफ्टबॉक्स के अपने ही कुछ फायदे हैं। अगर आप फोटोग्राफी या फिर सिनेमाटोग्राफी करते हो फिर जो सॉफ्टबॉक्स का लाइट है आपके लिए कहीं ज्यादा बेहतर होने वाला है रिंग लाइट के कंपैरिजन में। एक सॉफ्टबॉक्स आपकी लाइट को कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से डिफ्यूज कर सकता है एक रिंग लाइट के कंपैरिजन में। रिंग लाइट में लाइट एलईडी पैनल से निकलकर ये फाइबर शीट से थोड़ा सा डिफ्यूज होकर डायरेक्टली आपके फेस के ऊपर आता है, जिसकी वजह से लाइट काफी ज्यादा हार्श रहता है। पर वहीं सॉफ्टबॉक्स में आपका जो लाइट है सबसे पहले पीछे की तरफ जो अम्ब्रेला है उसमें रिफ्लेक्ट करता है, एंड रिफ्लेक्ट करने के बाद ये सामने का जो बटर पेपर है यहाँ पर से डिफ्यूज होकर आपके फेस के ऊपर आता है। मतलब सबसे पहले रिफ्लेक्ट होता है फिर डिफ्यूज होकर आपके फेस के ऊपर आता है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट काफी ज्यादा स्मूथ बन जाता है। साथ ही रिंग लाइट का जो ओपनिंग है वो कहीं ज्यादा छोटा होता है सॉफ्टबॉक्स के कंपैरिजन में। रिंग लाइट में आपको लगभग 50-52 सेंटीमीटर का ओपनिंग मिलता है एंड उसके बीच में आपको होल मिलता है, पर सॉफ्टबॉक्स का जो ओपनिंग है वो लगभग 80 सेंटीमीटर का होता है। तो जो लाइट है वो बहुत बड़ी जगह में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ लाइट आपके फेस के ऊपर आता है, जो कि आपके फोटो एंड वीडियो के क्वालिटी में उसका डिफरेंस दिखता है। अगर आप रिंग लाइट और सॉफ्टबॉक्स लाइट से कैप्चर की गई फोटोज और वीडियोस को साइड बाय साइड देखोगे तो आप नोटिस कर पाओगे कि जो रिंग लाइट से कैप्चर की गई फोटोज है उसमें लाइट थोड़ा सा हार्श है, जिसकी वजह से काफी टाइम हाईलाइट स्पॉट बन जाता है या फिर जो शैडो है वो बहुत ज्यादा हार्ड रहता है। पर वही सॉफ्टबॉक्स का जो लाइट है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, जिसकी वजह से फोटोज एंड जो वीडियोस है उसमें लाइट बहुत ज्यादा प्लीजिंग दिखता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों लाइट के बीच में, जो सॉफ्टबॉक्स लाइट है उसको आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से इस्तेमाल करने वाले हो, पर वही जो रिंग लाइट है उसे आप इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ बैटरी से भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आप 4000 एमएच की दो बैटरी लगाकर इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे फायदा यह है कि इसे आप आउटडोर में लेकर के जा सकते हो, कहीं भी कभी भी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अभी अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं तो दोनों लाइट की क्वालिटी में ऐसा जमीन आसमान का तो फर्क नहीं है, पर सॉफ्टबॉक्स का जो लाइट है वो थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का है रिंग लाइट के कंपैरिजन में। अगर आप फोटोग्राफी करते हो, मेनली अगर आप फोटोग्राफी या फिर सिनेमाटोग्राफी करते हो, देन सॉफ्टबॉक्स का जो लाइट है आपके लिए बेटर होने वाला है। बट अगर आपको अपने वीडियो के लिए बस ऐसे कैजुअल लाइट चाहिए, अच्छी क्वालिटी की लाइट चाहिए जो कि इजी टू यूज हो एंड उसे आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाओ, देन जो डिजिटेक का रिंग लाइट है आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। बाकी इन दोनों में से कोई सा भी लाइट अगर आप परचेज करना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अभी आप अपना ओपिनियन शेयर करिए इन दोनों लाइट के ऊपर, इन दोनों में से कौन सा लाइट आपको सबसे बेहतर लगा कमेंट करके आप मेरे को बताओ, मैं जानना चाहता हूँ आपका ओपिनियन। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए।